हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो इंटर्नशिप आई है वो डेटा साइंस की इंटर्नशिप है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत सारे लोग को बहुत सारा डाउट होता है कि इसमें कैसे क्या करना है। मैं वीडियो में स्टार्टिंग से बताता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा तो इससे क्या होगा, आप लोग को समझ में आएगा, तो आप लोग इससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर हाँ फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा फ्रेंड। तो फिर इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बना कर रखा, अगर आपने इन सभी में भी अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा फ्रेंड। सो चलिए वीडियो, चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसमें देख सकते हैं कि जो रोल आई है डेटा साइंस से इंटर्नशिप की तरफ से आई है। तो ऐसा मैं सोचा कि मुझे डेटा साइंस आता नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है इंटर्नशिप, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इंटर्नशिप लिखा हुआ था। अगर आपको डेटा साइंस, अगर थोड़ा बहुत आपको पाइथन के बारे में आता है कि हाँ थोड़ा सा पढ़े हुए हैं कि किस तरह से डेटा साइंस काम करता है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको डेटा साइंस नहीं आता तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंटर्नशिप रोल के लिए ही है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लोकेशन होने वाली है, तीन लोकेशन होने वाली है, मतलब कि हैदराबाद, बेंगलोर और आपका नोएडा और यूपी का होने वाला है लोकेशन आपका। तो इसमें देख सकते हैं कि आपका इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, तो इंटर्नशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं बी टेक, एम टेक, एम एस डिग्री के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सी जी पी ए जो होनी चाहिए आपकी एट आउट ऑफ टेन सी जी पी ए की होनी चाहिए आपकी। अगर आपका 8 से कम है तो अप्लाई मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप ये सेटिस्फाइड करते हैं तो इसमें अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए, तो इसमें जाकर सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट अगर आपका क्रिएटेड है अगर माइक्रोसॉफ्ट में, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट से साइन कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन में दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल जाके यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ पर जाके अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत, मैंने यहाँ पर अप्लाई करके रखा हुआ था उससे पहले बहुत सारे पोजीशन पर, इसलिए आप यहाँ पर दिखा रहा है कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर ये नीचे मैं ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेशन मेरा यहाँ पर अपलोडेड है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ ये शो कर रहा है। देख सकते कि यहाँ मेरा जो ये सी वी वगैरह डाला हुआ है, नेम वगैरह डाला हुआ है, तो इसमें आप सिंपल बस अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं करूँगा, सिंपल आपको बस लिखना है आपके जो आपका जो भी है डिटेल्स वगैरह, पर्सनल डिटेल्स वगैरह लिखना है। मैं नीचे नहीं करूँगा कि मैं इसमें सारा मेरा पर्सनल डिटेल वगैरह इसमें है। सारा डिटेल वगैरह फिल करने के बाद आप लास्ट में यहाँ पर जाके अब बाय चेकिंग दिस यू एग्री, और यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। आपको सारा डिटेल वगैरह नॉर्मली भरना है, जैसे आपका जो टेंथ का ट्वेल्थ और आपका जितना डिटेल्स वगैरह ग्रेजुएशन डिटेल्स वगैरह, सिंपल जैसे फॉर्म जितने फिलअप होते हैं उसे फिलअप करना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन ईयर आपका कौन सा, यहाँ पर ग्रेजुएशन ईयर है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप 2021 के हैं तो 2021 कीजिएगा अगर आप जिससे हैं उससे। ठीक है, तो अप्लाई ना कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जिस तरह से आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल गया। यहाँ पर सिंपली आपको विल यू नाउ इन और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट वायर स्टेटस और अदर रिकॉग्निशन, जैसे आपको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा एक बार आप इफ़ यस प्लीज। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर अगर पढ़ने के बाद आप यहाँ पर सबमिट और रहने दीजिएगा, कोई इतना दिक्कत उतना नहीं है। यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं यहाँ पर आर यू पासिंग आउट इन 2021, तो यहाँ पर आपको नो करना, अगर आप हैं तो कीजिएगा, अगर 2020 है तो, अगर 2021 के हैं तो नो कीजिएगा, 2023 के हैं तो नो कीजिएगा, 2020 के हैं तो नो कीजिएगा, बाकी जो है आपका जो नो कीजिएगा, कि मैं 2021 का हूँ इसलिए मैं यहाँ पर नो किया हूँ। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर शो कर रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बिन रिसीव्ड इफ़ देर इज़ ए मैच आ रिक्वेटर विल टच विथ यू। अगर ये अप्लाई करने के बाद आप फिर ये मत पूछेगा कि इसमें क्या कन्फर्मेशन है, नहीं, अप्लाई करने के बाद आपको रिक्वेटर ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे वाया मेल। तो जो आपने मेल भरा हुआ उसमें आपको एक मेल आएगा कि हाँ आपका जो इंटरव्यू पोजिशन है आपके लिए इसके लिए सिलेक्टेड है। तो इसको आप एक बार आपने अपना ये अप्लाई करने के बाद मेल को चेक करते रहिएगा, ताकि क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे मेल चेक करते नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपको इसी दूसरे वीडियो में। तो अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसे सपोर्ट दिखाइएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं आपको इसी दूसरे वीडियो में, क्योंकि लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।